नीट 2025 के एग्जाम में अब से 5 महीने का समय बाकी है और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी फिजिक्स बहुत वीक है और वो चाहते हैं कि इन बचे हुए 5 मंथ में हम फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर एटलीस्ट वो स्कोर कर लें जिससे कि हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर नीट में सिलेक्शन पा लें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स में डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे लेक्चर देखते हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे उनको रिवाइज करना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है एंड कैसे टेस्ट देकर उसको एनालिसिस कर फिजिक्स को कंप्लीटली कैसे प्रिपेयर करना है, हर एक चीज आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना एंड आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ऑनेस्टली बताई गई हर चीज को फॉलो करते हो, मैं गारंटी के साथ चैलेंज दे सकता हूं 150 प्लस मार्क्स आप इजीली नीट 2025 में स्कोर करेंगे, चाहे अभी आप जीरो पर हैं। और मैंने खुद ने भी नीट में 165 मार्क्स एंड जेई में 99.5% फिजिक्स में स्कोर किए हैं। तो कैसे किए हैं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी और हर टॉपर की स्ट्रेटेजी लास्ट में क्या होती है, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोत, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फिजिक्स की डिटेल स्ट्रेटेजी की एंड मैंने खुद ने भी फिजिक्स में नीट और जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया था एंड कई सारे टॉपर्स जिन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड रखा है उन सब की स्ट्रेटेजी का कंक्लूजन लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप जीरो पे हैं या आपकी प्रिपरेशन फिजिक्स में बहुत वीक है तो कैसे इन 5 मंथ में आप फिजिक्स में इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर कर नीट में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। अगर अभी आप बिल्कुल जीरो पर हैं, आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स का पी भी नहीं आता, बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं जानता हूं आप उन लोगों में से नहीं होंगे, बट कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, और आपके पास 150 दिन है, इन 150 दिनों के अंदर अंदर 150 मार्क्स कैसे लाने हैं, हर दिन एक मार्क्स बता रहा है आपको, ये ध्यान रखना कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर अब से आप एक दिन भी वेस्ट करते हैं तो इन 150 मार्क्स में से एक मार्क्स कम करते जाना। सबसे पहले बात करेंगे अपन लेक्चर पे, देन नोट्स पे, देन एनसीईआरटी पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, टेस्ट पे, हर चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इन 150 दिन में अप्रोच करना है और कैसे इनको अच्छे से कंप्लीट करना है, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, ये आज के इस वीडियो में बताऊंगा एंड एक एक चीज आज आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट बात करते हैं वीडियो लेक्चर की या क्लास की, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, फुल लेक्चर देख लो या वन शॉट देख लो। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे आपको बताने जा रहा हूं। अगर इफ यू आर अ ड्रॉपर एंड स्कोर्ड 120 प्लस इन नीट, अगर आपने इससे पहले नीट में 120 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया और आप ड्रॉपर हैं, तो मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा कि वॉच वन शॉट ओनली। आप वन शॉट देखकर फिजिक्स के सारे लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर फुल वीडियो देख सकते हैं वीक चैप्टर का, जो चैप्टर आपके वीक है जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं उन चैप्टर का फुल लेक्चर देखिए, बाकी आप वन शॉट देखकर काम चला सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होंगे, अभी जो जनता देख रही है वो मैक्सिमम ऐसी होगी जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता या जीरो के बराबर आता है, जो 20-30-40-50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ना तो समय लगेगा ज्यादा और आप बिल्कुल इजी वे में सारे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे सही समय पर। कैसे, डिवाइड योर चैप्टर्स इन टू पार्ट्स, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड अदर चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 10 ऐसे चैप्टर बता रखे जिनसे 120-130 मार्क्स का फिजिक्स में पूछा जाता है, तो उनका चाहे तो आप फुल लेक्चर देख लो, बाकियों का वन शॉट देख लो। और उनमें से भी अगर कोई ऐसे चैप्टर है जो आपके बहुत वीक है तो उनका आपको फुल वीडियो देखना है, और ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है तो आप वन शॉट देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये आइडिया अच्छा है। देन सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं अपन नोट्स या रिवीजन की, तो देखो आपको नोट्स विद लेक्चर बनाते जाना है, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बना रहे हैं बाद में किसी और के नोट्स जेरोक्स करवा के पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, और क्लास के साथ साथ पढ़कर क्वेश्चन करने हैं, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तभी जाकर आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन, डेली जो पढ़ाया गया है, डेली जिसका लेक्चर देख रहे हो उसका रिवीजन करो, देन चैप्टर खत्म होने के बाद लगभग 3 बार उन नोट्स को रिवीजन करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप केवल सीधा लेक्चर देखकर एक बार ऊपर ऊपर से पढ़कर अगर क्वेश्चन करेंगे नहीं बनेंगे, फिर डिमोटिवेट होंगे, फिर छोड़ देंगे, और आज तक फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हुई है उसका एक ही कारण है कि अपन प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों नहीं करते, कोशिश हमेशा करते हैं पर क्वेश्चन बन नहीं पाते, पर ये सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो करने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छे से ध्यान से लेक्चर देखो, 3 बार नोट्स को रिवाइज करो, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, आपसे क्वेश्चन बनने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस की या क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन को कैसे करनी है। मिनिमम आपको 200-300 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में करने हैं। अगर कोई बड़ा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जैसा बड़ा चैप्टर है तो थोड़े ज्यादा कर लेना, ग्रेविटेशन जैसा छोटा चैप्टर है थोड़े कम कर लेना। देन क्लास नोट्स के क्वेश्चन और डीपीपी या जो आपको शीट मिली है लेक्चर की उसको आप अच्छे से करें, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन है
जो आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड उस कंसेप्ट के जो अप्रोच है वो उस क्वेश्चनों में लगेगी, ठीक है। देन 15 साल के प्रीवियस ईयर नीट और जेईई की आप जरूर करें, ये करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि ये करने से आपको ये पता पड़ेगा कि नीट में क्वेश्चन पूछने के लिए माइंडसेट क्या है, और उस माइंडसेट से आप प्रिपेयर करने लगोगे तब आप 100% सिलेक्शन की ओर जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे करना है, एनसीईआरटी आप पूरी रीड नहीं कर सकते हो, केवल हाईलाइटेड पॉइंट जो है एनसीईआरटी के उनको आप चाहे तो पढ़ सकते हो और चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। अब कहां से पढ़ें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करके रखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट पे, कोई भी एक टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लो, इधर उधर भागो मत, कोई भी एक सेलेक्ट करो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो और उसके ऊपर ट्रस्ट कर उसको सॉल्व करना शुरू करो एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। टेस्ट देना जरूरी नहीं है, 3 घंटे बर्बाद मत करना टेस्ट देकर अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर करोगे एनालिसिस तो मार्क्स इंप्रूव होंगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, मिस्टेक नोटबुक बनाकर उसको मेंटेन रखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाते हैं, मेरी खुद की मिस्टेक नोटबुक की PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, जाकर चाहे तो देख सकते हैं। देन एक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा लास्ट में, वो ये है, अगर आपके पास टाइम बचे तो एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस को आप जरूर करें एंड ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि वो तब से पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं होगा सिलेक्शन। 2-3 दिन जोश में किसी का वीडियो देखकर पढ़ने लग जाओगे, बाद में सब चीज़ें भूल जाओगे, वापस डीमोटिवेट हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर रिवाइज अच्छे से नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर डीमोटिवेट होकर फिर छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, खोने के लिए अपने पास कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर चाहते हो सिलेक्शन, 5 महीने बिल्कुल आंख बंद कर खुद पे भरोसा कर एक बार मेहनत करके देखो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वैसे ही अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बट हो गया लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर चाहते हो अपनी पेरेंट्स की लाइफ चेंज करना, ड्रीम्स को पूरा करना, आंख बंद कर मेहनत करना शुरू कर दो। मत सोचो क्या होगा, मत देखो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आंख बंद कर मेहनत करना शुरू कर दो, पूरी जी जान लगाकर बस पढ़ते रहो 17-16-18 घंटे पढ़ते रहो, क्योंकि इस बार आपके साथ कंपटीशन में वो लोग बैठने वाले हैं जिनके 600 से 650 के बीच में नंबर है, जो अपना सिलेक्शन पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, बस फॉर्मुलिटी के लिए एग्जाम देने वाले, उनको बीट कर अगर आप आगे निकलना चाहते हो, सीधी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे 2-3 गुना स्पीड से आपको भागना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।